हेलो, लाइट ऑन हो गई है, कैमरा ऑन हो गया है, यानी कि व्लॉग चालू हो चुका है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं आज लगी हुई हूँ काम में और थोड़ा देर से व्लॉग शुरू किया है मैंने। देर से क्या, आज तो बस टाइम मिल ही नहीं रहा था, तो जितना टाइम मैंने मिला मैंने सोचा कि चलो छोटा सा व्लॉग बना ही देते हैं। क्योंकि जब एक काम करने की हैबिट हो जाती है ना, तो फिर मन नहीं मानता है कि ये लगता है कि चलो बना देते हैं, घर पे हैं थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैंने जो अपने नए सूट जो दीदी ने सिलवा करके भेजे थे वो सारे मैंने धो करके रखे हैं, क्योंकि वहाँ से सिलकर आए थे तो कॉरियर से भी आए थे। वैसे तो दीदी बोल रही थी कि किसी ने टच किया ही नहीं है इनको, लेकिन फिर भी मैं सारे जितने भी नए कपड़े होते हैं धो करके ही यूज करती हूँ। तो मैंने ये धुल दिए थे और अब इनको अंदर ला करके मैं रख दूँगी और फिर देखती हूँ प्रेस कर पाई तो, क्योंकि वैसे प्रेस तो ख़राब पड़ी हुई है। अगर ठीक रही चला करके देखूँगी और कर दूँगी, अगर गौरी करने देंगी तो मुझे, क्योंकि गौरी के ऊपर डिपेंड करता है अब। तो दुपट्टे भी जो थे वो भी मैंने पानी में कंगाल करके डाल दिए थे। तो चलिए, यहाँ पर ये काम तो हो चुका है। साथ में यहाँ पर ना पानी गिर गया था, क्या हुआ ना, कूलर से जो है पर्दा लग गया था, मतलब पर्दा पीछे लगा हुआ है तो उस कूलर से टच हो रहा था, तो उसकी वजह से ना सारे में पानी पानी हो गया। तो ये जो पानी है ना, मैं बाहर की तरफ निकाल दूँगी, क्योंकि बाहर की तरफ पानी जाने का रास्ता है। उधर की तरफ मैं सारा पानी निकाल दूँगी। और जब मैं पानी निकाल करके वापस आई, मैंने देखा कि दरवाजे के पीछे भी पानी है, वहाँ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तो अब मैं यहाँ से भी पानी को सारा निकाल दूँगी। बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कुछ और काम करने का भी मन है मेरा, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ काम, मतलब कुछ ऐसा काम बताऊंगी आपको बाद में। कैसे हैं आप लोग? और आज गौरी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर बहुत है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। पता है क्या होता है, कैमरे में हमेशा जो भी हमारी फ़ोटो या वीडियो आती है हम बहुत हेल्दी लगते हैं, लेकिन होता हर किसी के साथ में है। ये कल से इसने कुछ नहीं खाया है और पूरी रात मैं इसे लेकर के बैठी रही हूँ। बुखार इसके सर में चढ़ गया है, मतलब सर, इसका पूरी बॉडी गर्म नहीं थी, सिर्फ सर गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा। तो समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर को भी फ़ोन किया। वैसे तो मैंने इसकी ना होम्योपैथिक मेडिसिन मंगाई थी, क्योंकि मुझे बाहर जाते हुए डर लग रहा है इसको लेके जाते हुए। मैं अभी तक इसको लॉकडाउन से पहले से ही बहुत टाइम से बाहर नहीं लेके गई हूँ, और अब लेके जाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा था। मैंने डॉक्टर को बोला फ़ोन करके, तो उन्होंने दवाई दी है, उन्होंने बोला है कि वायरल फीवर है, तो अभी एक दो दिन मतलब रहेगा। तो क्या था ना, अब इसका पूरी रात रहा, सुबह रहा, तो फिर मैंने ना इसको ऑयल की मसाज की, जिससे इसका फीवर थोड़ा कंट्रोल में आया, दवाई दी। और ऑयल की मसाज करने के बाद मैंने ठंडक ठंडी हो गई थी, तो तब से अभी टाइम बच रहे हैं, शाम के 4 बजने वाले हैं दोपहर के, तो पहले से मतलब बहुत ठीक है ये, बहुत ज़्यादा फीवर इतना नहीं है। अब जाके सोई भी है, पूरी रात नहीं सोई थी, तो मैंने ऐसा कुछ खास ब्लॉग बनाया नहीं, बस मन था, अभी हो रहा था अजीब सा कि ना, मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बैठ करके मैं बातें ही कर लेती हूँ, थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी। और जो पीछे आपको बोन दिख रही है ना, हड्डी दिख रही है, वो हम लोगों की नहीं है, वो नोनी की है। नोनी की कैल्शियम है, वो कैल्शियम वाली बोन है, वो उसको चबाती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ला करके रखी है। और यहाँ पर गौरी ना अपनी दवाई, देखो गौरी अपनी पाई लेने बैठे बेटा। गौरी के चैनल पे अभी वीडियोस नहीं आएंगी जब तक तो गौरी पूरी ठीक नहीं हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, पुरानी इसकी बड़ी होंगी तो वो मैं डाल दूंगा, है ना गौरी? अच्छा सुनो, पाई देते चलो, ये गौरी की चम्मच, ये गौरी की पाई। आज ना गौरी को चोट भी लग गई, यहाँ पे गिल जाता है, ये बैट से चोट लग गया, तो ये लो, जो मैं निकालूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये ना मीठी वाली टैबलेट होती है, और मुझसे कुछ नहीं बोला कि होम्योपैथिक क्यों ले रहे हो, एलोपैथिक दिखाओ, इससे आराम है, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं है, होम्योपैथिक से धीरे धीरे आराम होता है। और मैंने स्टार्टिंग से ही गौरी को एलोपैथिक पे ना लेकर के होम्योपैथिक पे ही रखा हुआ है, तो इसको आराम लगता है। और अगर उन्होंने बोला भी डॉक्टर नहीं आराम लगेगा तो आप लेकर के जाना, तो सुबह से अब तक बहुत आराम था। अब देखते हैं आज की रात, अगर मुझे लगेगा तो पास में ही है हॉस्पिटल,
एक्चुअली जो बराबर वाला हॉस्पिटल है ना यहीं पे जिसमें मैं जाती हूँ उसको अधिकतर मतलब हम लोग जाते हैं लेकर के, उसमें क्या हुआ है ना वहाँ पे कोरोना के 19 केस पॉजिटिव आए थे। चल तो रहा है लेकिन वहाँ डर लगता है जाते हुए मुझे, हर गली गली में हमारे यहाँ पीछे भी है इस वजह से। और ये देखो गोली को ना मुझे ऐसे तोड़ के देना पड़ता है, हाथ तो मैं लगाती नहीं हूँ इसको क्योंकि ये डॉक्टर मना करते हैं कि हाथ नहीं लगाना होता है, इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे तोड़ करके और का खिला दिया मम्मा, वैसे दूध तो ये पीती भी नहीं थी और आज इसने कुछ भी नहीं खा रखा। अब देखते हैं इसके लिए खिचड़ी वगैरह नहीं खा रही है, दाल भी नहीं खा रही है ये। मैंने अपना खाना भी मतलब ऐसा मैंने कुछ नहीं खाया है कि जो इसको नुकसान करे, एक मिनट, तो ऐसा कुछ नहीं खाया था जो गौरी को नुकसान करे, अपना नॉर्मल। हाँ मैंने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी चैलेंजिंग वीडियो, तो उस पर भी मैंने वही चीज़ें ली थी जो मुझे नुकसान ना करे और जो गौरी को भी नुकसान ना करे। एक्चुअली था क्या ना घर पे ऐसी नहीं है और परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत अनलिमिटेड गर्मी थी जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो डॉक्टर बोल रहे इसको गर्मी से फीवर हुआ है कि ये चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाल भी नहीं बांध रही हूँ मैं इसकी क्योंकि बंधवा नहीं रही, और चोट में दिखाऊँ कहाँ पर लगी है गौरी, चोट दिखाओ ना अपनी, यहाँ पे इधर इधर ना ऐसी यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई है, ये कौन है। और आप लोग बोलेंगे बेटे बीमार है वीडियो बना रही है, तो ऐसा नहीं है, ये पता है क्या फ्रंट कैमरे से बात कर रही हूँ तो ये बैठी आराम से, थोड़ा सा इस वजह से भी लेकर के बैठ गई थी मैं, जब फ्रंट कैमरा होता है ना तो ये देखती रहती है, दवाई भी इसी बहाने ली है इसने वरना नहीं, बहुत मुश्किल से लेती है, मीठी है लेती मुश्किल से है, कोई भी दवाई हो बच्चा करता ही है ना भरी। तुम्हारा तो मुँह भी वाइट हो गया ना, देखो यहाँ पे शाला, ओ इसको तो मुँह में नहीं डालने, देखो ओ ओ ओ पीती कर। तो दो रात से गौरी बहुत परेशान थी, एक रात तो व्लॉग वाली जो मैंने अभी आपको बातें की और ये नेक्स्ट डे की है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मुझे गौरी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा जहाँ पे उन्होंने हमें इमरजेंसी में भेजा, पहले उन्होंने दूसरी जगह भेजा क्योंकि कोविड के डर की वजह से अब उन्होंने अलग अलग कर दिया है। ओपीडी में जाने से पहले आपके पूरे टेस्ट होंगे फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी, मतलब पहले टेस्ट किए जाएंगे फिर एक डॉक्टर और नर्सेस थी उनके पास भेजा जाएगा, वहाँ से आपको इमरजेंसी में भेजा जाएगा, इमरजेंसी में फिर डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद में आपको मेन जो डॉक्टर को आपको दिखाना है वहाँ पे भेजा जाएगा। तो मैं गौरी को ना अंदर से बाहर ले आई थी क्योंकि अंदर ना भीड़ भी थी और अंदर गौरी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसलिए मैं बाहर की तरफ आ गई। आपको यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है क्योंकि पीछे से बैठ करके ही वीडियो बना रहे थे। गौरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी, पता है ब्रीफ नहीं करेंगे, पूरी रात जो है गोदी में बैठ करके निकाली मैंने, मतलब गोदी में ये गौरी जो है मेरी में बैठी हुई थी पूरी रात, मेरी ऐसी निकली है पानी की पट्टियाँ रखते हुए। बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ किया भी नहीं था, शायद गर्मी गौरी को बहुत लग गई थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है। हमारे पास में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बैठी हुई थी, वो भी चेकअप के लिए आई थी। एक्चुअली इस वाले हॉस्पिटल में पहले कोविड-19 के 19 ही पेशेंट आ चुके हैं यहाँ पर, मतलब निकले थे यहाँ के एम्प्लॉयज़, लेकिन मैंने सुबह कितने डॉक्टर से बात की, किसी से बात ही नहीं हो पा रही थी, कोई अपने कोविड-19 की ड्यूटी पे था, किसी का क्लिनिक नहीं खुला था, तो ये घर के पास में पड़ता है, इस वजह से मैंने और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे लेके जाएंगे। फिर होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं, उनका नाम उन्होंने बताया, वैसे हम लोग आते यहीं पर ही हैं, लेकिन जब उन्होंने श्योर कर दिया कि यहाँ पर भी एक डॉक्टर हैं तो आप उनके पास में ले जाओ। गौरी को पूरा कवर तो किया था लेकिन गौरी इतना रो रही थी कि उसने सब कुछ हटा दिया, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ गार्ड भैया थे या फिर एक लेडी बैठी हुई थी, तो इसलिए मैं इसको बाहर घुमाने लग गई। जब बच्चों के साथ ऐसा होता है ना तो बहुत दिल दुखता है, मतलब पूरी रात ऐसे बीती है रोते रोते कि क्यों हो रहा है इसको, क्योंकि वो परेशान हो रही थी, गर्म हो रही थी,
बच्चे ना परेशान होते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है सच में। नहीं, किसी का भी बच्चा बीमार ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरा ये छोटा सा व्लॉग है। अब अगला व्लॉग मैं बना पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये आज का ही व्लॉग है मॉर्निंग में जो एडिट करके मैं डाल रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।